मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ, कैसी है तू? माँ, तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ, मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक सत्यव्रत चतुर्वेदी ने एक बार फिर बगावती स्वर अपना लिए हैं। चतुर्वेदी छतरपुर के राजनगर सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बता दें, राजनगर से चतुर्वेदी का बेटा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। सत्यव्रत चतुर्वेदी को MP कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाने के बाद भी वे कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने नहीं आए। हालांकि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने अपने बेटे नितिन की जीत के लिए पूरा दम लगा दिया है। सत्यव्रत चतुर्वेदी से पूछा गया, यदि हाईकमान निर्देश दे तो वह कांग्रेस के चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान कौन होता है उन्हें निर्देश देने वाला? पहले वह अपने गिरेवान में झांके, फिर उनसे बात करें। चतुर्वेदी अपने बेटे को कांग्रेस पार्टी से राजनगर सीट पर टिकट ना दिए जाने से नाराज हैं। इसी नाराजगी की वजह से उनके बेटे नितिन ने कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए राजनगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रत्याशियों ने मुझे तो बुलाया नहीं प्रचार के लिए। अगर वो मेरे पास प्रचार के लिए आमंत्रण भेजेंगे, उसके बाद ही मैं कोई निर्णय कर पाऊंगा। यदि कांग्रेस हाईकमान के ऐसा निर्देश हुआ तो? कांग्रेस हाईकमान मुझे निर्देश देने वाली कौन होती है? पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद मुझे निर्देश देने की कोशिश करें। देखिए, 14 तारीख लास्ट डेट थी नामांकन वापस की। कल हमारी PCC में बात हुई है, हमने अपनी रिपोर्ट बनाकर PCC में दी है। कुछ निलंबन जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से होना है, कुछ जो निर्णय हैं वो ICC से होंगे, जो शीघ्र ही इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। सत्यव्रत चतुर्वेदी अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए राजनगर में समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने चतुर्वेदी पर पार्टी विरोधी कार्य करने को लेकर हाईकमान को अवगत करा दिया है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दीदी आपके चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।